आइए आज आपको सुनाते हैं बंटी और बबली की कहानी। बंटी और बबली एक भाई और एक बहन। इनकी नियति ये थी कि जब ये पैदा हुए तो इनकी मदर की डेथ हो गई। मदरलेस पपी को लोकल लोगों ने सहारा देने की कोशिश करी, उन्हें कुछ खिलाते पिलाते थे, लेकिन शायद इनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। जो लोग इन्हें सपोर्ट करते थे उनके आसपास के लोगों ने उन पर ऑब्जेक्शन उठाना चालू करा और एक दिन ऐसा आया कि उन लोगों ने मिलकर इन्हें रिलोकेट कर दिया। लेकिन जबकि ऊपर वाला आपके साथ होता है, आपकी किस्मत आपके साथ होती है, तो कोई ना कोई एंजल आपकी लाइफ में आता है। हमारी टीम को जब ये पता पड़ा कि इन्हें रिलोकेट किया गया है तो हम इन्हें वहाँ से लेकर आए। जब हम इन्हें लेकर आए तो वहाँ के लोगों ने इन्हें अपनाने से मना कर दिया। बहुत काउंसलिंग की कोशिश करी गई, कोशिशें करी गई कि इन्हें शायद अपनी जगह पे वापस जगह मिल जाए रहने के लिए, क्योंकि ये जहाँ पैदा होते हैं वहाँ रहना इनका अधिकार होता है। पर शायद हमारी कोशिश नाकाम हुई, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमने इन लोगों को अपनी लोकेलिटी के पास में जगह दी। इनके लिए आज हम कोशिश कर रहे हैं कि एक छोटा सा घर पार्क में बनाया जाए जहाँ पर ये लोग आराम से रह पाएँ। आप देख सकते हैं शायद इंसानों में इतनी समझ की कमी है कि ये एडजस्ट नहीं करने दे रहे उन्हें अपनी सोसाइटी में, लेकिन इनमें इतनी कमी नहीं है इनकी समझ। जब हमने एक छोटी सी जगह इनके बैठने के लिए बनाई तो इन्हें समझ में आया कि ये जगह हमारी है, हमारे लिए बनाई जा रही है। और आप देख सकते हैं कितने प्यार से ये बंटी और बबली यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ के आसपास के रहने वाले छोटे छोटे बच्चों ने हमें इतना कोऑपरेट करा, जो चीज़ें हमें इनके छोटे सा घर बनाने के लिए चाहिए थी वो लेकर आते, हमारे लिए बाउल्स लेकर आते, हमारे साथ जो लेबरस मेहनत हमने करी शायद इनका घर बनाने के लिए वो भी इन्होंने हमारे साथ करी। छोटे छोटे मासूम बच्चे कितने अच्छे होते हैं। इन लोगों ने जिम्मेदारी ली कि हम लोग इन्हें सुबह शाम खाना देंगे, इनके साथ खेलेंगे, इन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। शायद इन छोटे बच्चों की तरह अगर अवेयरनेस हम बड़ों में भी आ जाए ना, तो ऐसे बच्चों को कभी रिलोकेट नहीं किया जाए।